Hello everyone, in this video let's discuss about halting problem. That what is halting problem in Turing machine or in automata, that is theory of computation. So let's see what is a halting. First, what does halting means? So halting ka matlab hai ki program, koi bhi program kisi bhi language mein likha hua, if on certain input it will accept it, matlab wo us input ko accept karta hai, matlab read karta hai. And at last we came to a conclusion that whether this input is accepted or rejected by the machine. कि कोई भी ट्यूरिंग मशीन हमें दिया था तो उस ट्यूरिंग मशीन ने उसको एक्सेप्ट किया है या रिजेक्ट किया, दैट आउटपुट वी आर एबल टू फाइंड आउट. एंड इफ इट इज नॉट सो, अगर ये केस नहीं है, देन डेफिनेटली दैट मशीन विल एंटर इनटू एन इनफाइनाइट लूप. वो मशीन आपकी कहीं ना कहीं इनफाइनाइट लूप में एंटर हो गई है. एंड ड्यू टू विच वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट दैट द स्ट्रिंग और द इनपुट विच वी हैव गिवन टू दैट ट्यूरिंग मशीन इज एक्सेप्टेड और इट इज रिजेक्टेड. सो डेफिनेटली हॉल्टिंग का मतलब है टर्मिनेटिंग. अब आते हैं हॉल्टिंग, हमें पता चल गया हॉल्ट का मतलब हम एक कंक्लूजन तक पहुंच पा रहे हैं कि हाँ वो एक्सेप्ट हुआ, रिजेक्ट हुआ, हमें उसका एक कह सकते हैं फाइनल कंक्लूजन पता है फॉर द गिवन इनपुट. बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है नाउ, व्हाट इज दिस हॉल्टिंग प्रॉब्लम एक्चुअली? सो हॉल्टिंग प्रॉब्लम सेज दैट क्या हम ऐसी कोई भी मशीन बना सकते हैं जिससे हम ये बता सके कि ये प्रोग्राम हमेशा हॉल्ट होगा. क्या हम ऐसा कोई वेरिफिकेशन एल्गोरिथम लिख सकते हैं जिससे ये हो कि हाँ जब भी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा दैट प्रोग्राम विल ऑलवेज गिव यू अ करेक्ट आउटपुट. द आंसर इज डेफिनेटली नो. वी डोंट हैव एनी जनरलाइज एल्गोरिथम. हम ऐसा कोई भी जनरलाइज एल्गोरिथम नहीं लिख सकते जिससे मैं ये बता सकूं कि जो प्रोग्राम मैंने लिखा है वो हर इनपुट के लिए प्रॉपरली काम कर सकता है या वो हर बार एक टर्मिनेशन सिचुएशन के साथ या हर बार वो टर्मिनेट होगा, वो इनफाइनाइट लूप में कभी एंटर नहीं होगा. सो ऐसी कोई भी मशीन किसी भी सॉफ्टवेयर को या किसी भी प्रोग्राम को वेरीफाई नहीं कर सकती. लाइकवाइज कोई भी ट्यूरिंग मशीन, किसी भी ट्यूरिंग मशीन को हम 100% वेरीफाई नहीं कर सकते या ये नहीं कह सकते कि हाँ ये हमेशा हर इनपुट के साथ हॉल्ट करेगी, चाहे वो एक्सेप्टेंस हो चाहे वो रिजेक्शन हो. बट यही प्रॉब्लम है हमारा हॉल्टिंग प्रॉब्लम, इसी को हम बोलते हैं दिस स्टेटमेंट. इट इज कॉल्ड एज अ हॉल्टिंग प्रॉब्लम विच इज वन ऑफ द फेमस प्रॉब्लम इन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, राइट? अब अगर हम यहाँ देखें तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये प्रॉब्लम कैसे हुई हमारे लिए, क्योंकि हम ये प्रैक्टिकली तो हम कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि ये चीज हमें पता है कि हाँ हम ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते जो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को वैलिडेट करे, वेरीफाई करे कि हर सिनेरियो के लिए या हर इनपुट के लिए प्रॉपरली काम करेगा, ठीक है? तो उसी चीज को हम प्रूव करते हैं बाय कॉन्ट्रोडिक्टरी मैथड. एंड एज वी नो दैट कॉन्ट्रोडिक्शन का मतलब ये हुआ कि मैं पहले उसका नेगेटिव लेके चलूँ कि हाँ ऐसी मशीन एग्जिस्ट कर रही है और उसको हम बना सकते हैं, बट हमें ये प्रूव करना है लास्ट में कि हम ऐसी कोई मशीन नहीं बना सकते. सो लेट सी हाउ वी आर प्रूविंग इट. सो लेट अज्यूम दैट वी कैन डिजाइन अ मशीन. हम ऐसी एक मशीन बना रहे हैं जिससे हम किसी भी ट्यूरिंग मशीन को गिवन इनपुट के साथ बता सकते हैं कि वो हॉल्ट करेगी या वो लूप में जाएगी. सो लेट सपोज दिस इज माई हॉल्टिंग मशीन फॉर द हॉल्टिंग प्रॉब्लम. सो दिस इज अ प्रोग्राम एंड इनपुट, सो बोथ आर गिवन एज अ इनपुट. And in output, what we are getting that either the system will halt or it will enter into a loop. या तो वो halt यानी कि वो finish होगा, terminate होगा properly, या फिर वो infinite loop में enter करेगा, right? अब ये machine तैयार हो गई. Now how will you know that this machine will always give you a correct output for every Turing machine and input? हर ट्यूरिंग मशीन और हर इनपुट के लिए क्या जरूरी है कि ये जो एचएम मैंने बनाया है वो भी इस तरीके से काम करे? इसका मतलब मुझे इसको फिर से चेक करने के लिए एक और ट्यूरिंग मशीन यहाँ पे तैयार करना पड़ेगा, एक और ऐसा एल्गोरिथम लिखना पड़ेगा. नाउ इफ एचएम इज पॉसिबल देन वी हैव डिजाइन अनदर प्रोग्राम, वी हैव डिजाइन अनदर मशीन. सो लेट्स से द अनदर मशीन इज सेट टू बी अ सीएम. विद इन दैट सीएम आई हैव पास्ड एक्स. तो मैंने यहाँ पे क्या पास किया है, कोई भी प्रोग्राम पास किया. क्यों? क्योंकि फिलहाल तो ये मेरा पूरा प्रोग्राम है, तो इस प्रोग्राम को ही मुझे वेरीफाई करना है. इसमें मैंने कोई इनपुट नहीं देना अलग से, बल्कि इसमें इनपुट ऑलरेडी प्रेजेंट है. सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन ओनली एक्स. एंड दिस एक्स का मतलब है कि वी हैव टू चेक ओनली फॉर द गिवन मशीन, नॉट फॉर द अदर थिंग. सो एज यू कैन सी दैट एचएम कोड सेज दैट एचएम, अगर मैं लिख रही हूँ कोई भी प्रोग्राम, तो मैंने पहला जो मशीन बनाया वो ये है कि या तो वो हॉल्ट करेगा या नहीं करेगा विद द गिवन इनपुट वैल्यू पी और आई.
Here cm of x will be given. अगर cm of x दिया हुआ है तो उस x input के साथ हम कैसे function को call कर रहे हैं? हमने hm function call किया कि अगर ये दोनों input x के लेंगे, that means we are taking same kind of input. अगर वो hot हो जाता है तो हम उसका opposite लेके चल रहे हैं, that if this machine will enter into a hot state, it means this is properly working. By which cm we want to conclude with the loop. That हम अगर हम पहली मशीन को हॉल्ट कर पाते हैं, इसका मतलब हमें दूसरी मशीन को हॉल्ट नहीं करना, क्योंकि उस केस में दूसरे लूप वाले केस में प्रॉब्लम आ सकती है. इसीलिए हमने ऑपोजिट केस लिया कि अगर वो हॉल्ट हो जाती है तो यहाँ पे वो इनफाइनाइट लूप में एंटर हो जाएगा, एल्स इट विल सिंपली रिटर्न. अदरवाइज वो क्या होगा, रिटर्न करेगा जहां से भी उसको हमने कॉल किया था. अब अगर हम यहाँ पे सेम x और x को अगर हम यूज कर रहे हैं विद दैट वैल्यू, तो हम क्या कर सकते हैं, आप इसके आगे भी जा सकते हो और भी बहुत सारी चीजें बना सकते हो. तो अगर मान लीजिए ये हॉट नहीं होती तो ये कभी लूप में नहीं होगा, यानी कि कभी टर्मिनेट नहीं होगा. सो इट मींस दैट कि हम कभी भी किसी भी सिचुएशन में आके, जरूरी नहीं है कि हर बार हम टर्मिनेट हो, हम हर बार कहीं ना कहीं हॉल्ट करें. तो वो सिचुएशन कभी भी ऐसी हो सकती है कि हम इनफाइनाइट लूप में जा सकते हैं विद द वैलिड इनपुट विद द वैलिड मशीन, राइट? एंड दिस इज द हॉल्टिंग प्रॉब्लम, दैट वी कैन नॉट प्रूव इट कि हाँ ये मशीन प्रॉपरली काम करेगी, ये मशीन नहीं कर सकती काम. इसीलिए हमारा जो असम्पशन है कि हाँ ये मशीन पॉसिबल है, दैट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. वो मेरा क्या हो गया, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि मुझे नहीं पता चलेगा कि मैंने उसको हॉल्ट किया है नहीं किया है, या ऐसी कोई भी मैं मशीन बना दूं जिसमें मैं एक सॉफ्टवेयर दूं और मुझे वो ये बता दे कि दिस इज अ करेक्ट सॉफ्टवेयर फॉर एवरी इनपुट, नॉट अ पॉसिबल थिंग. ठीक है, सो एज वेल एज कोई भी मेरे पास जनरलाइज थिंग नहीं होगी जिसमें मैं हर तरीके के प्रोग्राम को पास करूँ. ये हो सकता है कि हाँ मैं अलग अलग डिपेंडेंट चीज़ों के लिए बना सकती हूँ, जैसे मैंने C के लिए अलग बना दिया, C++ के लिए अलग बना दिया, बट आई डोंट हैव अ जनरलाइज्ड थिंग. जनरलाइज मेरे पास नहीं है जिसमें हर तरीके के प्रोग्राम के लिए हम हर इनपुट वैल्यू को चेक कर सके. एंड दैट इज द हॉल्टिंग प्रॉब्लम विच इज एक्चुअली टिल नाउ इट इज अनडिसाइडेड. सो दिस प्रॉब्लम इट इज सेट टू बी अनडिसाइडेबल फॉर विच आई एम नॉट एबल टू फाइंड एनी काइंड ऑफ सोल्यूशन. हम यहाँ पे अभी तक इसका कोई भी सोल्यूशन फाइंड नहीं कर पाए हैं, ऐसी कोई भी एल्गोरिथम अभी तक नहीं बनी है. थैंक यू.